सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज किसी को नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल GR पे। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप टाइप सी चार्जिंग जैक को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सर, जैसे कि देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे सैमसंग का एक फोन है मेरे पास और आप इसका चार्जिंग जैक यहाँ पर देखेंगे टाइप सी है। ठीक है, ये टाइप सी, इसके अंदर चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। और देखिए, आपको एक प्लेट भी दिखा दूँ, आप यहाँ पर ये देखेंगे प्लेट, तो इसके अंदर आप देखेंगे आप, तो आपको टाइप सी का चार्जिंग जैक यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है। अभी दोस्तों देखिए, होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है ना, या तो इसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड यानी पानी वगैरह पहुंच जाए, या फिर आप जैसे यूज करते हैं हवा धूल के कारण इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी या फिर कचरा चला जाता है। ठीक है, तो जब इसमें या तो पानी चला जाएगा थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर कार्बन लग जाता है, या फिर थोड़ा बहुत मिट्टी या फिर कोई कूड़ा वगैरह कोई भी चला जाता है, तो उससे होता क्या है, जब इसके अंदर वो जम जाता है तो आप जैसे फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे या तो आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग ही नहीं चलेगी। ठीक है, या फिर चार्जिंग चलेगी तो आपका फ़ोन भर नहीं पाएगा, बैटरी स्टोर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसमें कमी क्या होती है दोस्तों, आपका जो चार्जिंग कनेक्टर होता है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अभी देखिए, ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है तो आप मोबाइल शॉप पर जा करके इसे चेंज करा सकते हैं, वरना आपको करना क्या है, आप समय समय पर लगभग एक महीने के अंदर 2 से 3 बार आप इसे खुद से भी क्लीन रखेंगे ना टाइप सी के चार्जिंग कनेक्टर को, तो जल्दी से आपके जो टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर होता है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके फ़ोन के अंदर जल्दी से चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप इसे समय समय पर क्लीन करते रहेंगे। इसे क्लीन किस तरीके से किया जाता है, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसा हैंडसेट यानी कि ऐसा मोबाइल यूज़ करते हैं जिसके अंदर टाइप सी वाला चार्जिंग जैक लगा हुआ है, तो वो भाई आज के इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लीज़, मैं चाहूँगा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से आप टाइप सी के चार्जिंग जैक को क्लीन करेंगे जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हालांकि मेरे फ़ोन के अंदर भी इसमें टाइप सी चार्जिंग जैक लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँ, आपको प्रोसेस वही करना जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इस चार्जिंग प्लेट के अंदर बताऊंगा। ठीक है, हालांकि देखिए बेशक ये फ़ोन के अंदर लगा हुआ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सफाई करने का तरीका वही रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। जब ये फ़ोन के अंदर फिट हो जाती है प्लेट, तो आपको इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, तो क्लीन किस तरीके से करना है, देखिए आपके पास कोई इस तरह का सर्जिकल ब्लेड हो, छोटा मोटा कोई भी, तो आपको करना क्या है, इसके अंदर दोस्तों पिन होती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपके पास कोई इस तरह का ब्लेड वगैरह होगा तो आप बहुत ही सावधानी से इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे, और इस तरीके से नीचे वाली सामने वाली जो परत है बिल्कुल उसे स्क्रैच करेंगे, जिससे कि इसके अंदर यदि कोई कूड़ा करकट जमा हो रहा होगा वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप पहले ये क्लीन करेंगे, यदि आप क्लीन करेंगे तो इसके अंदर से 100% यदि आपकी चार्जिंग रुकी हुई है तो इसके अंदर से कोई ना कोई कूड़ा करकट जरूर निकलेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्लीन करेंगे, जब हमें दिख जाए कि हाँ हमने कूड़ा करकट निकाल दिया है, अभी आप देखेंगे तो आपको जो इसकी पिन है यहाँ पर पिन नजर आएंगी, आप देखेंगे ध्यान से फोन के अंदर भी देखेंगे तो आप, जब आप यहाँ से फोन के अंदर भी देखेंगे ना जैक के अंदर, तो आपको कुछ पिन नजर आ जाएंगी और वो पिन ग्रीन कलर की हो रही होंगी, ग्रीन यानी हरी हरी सी, इसका मतलब कि आपके चार्जिंग कनेक्टर के अंदर जो पिन है वो उन पर कार्बन लग चुका है, जिस कारण वो सही से चार्जिंग नहीं कर पा रही हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ऐसे ही एक ब्लेड से हल्का सा, यदि आपके पास ब्लेड है तो इस तरीके से उन्हें थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करना है, इस तरीके से स्क्रैच नहीं करना कि आप पिन ही तोड़ दो या फिर उन्हें उखाड़ दो प्लेट से, नहीं, आपको धीरे धीरे, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर चिपकी हुई है और हम इस तरीके से बहुत ही सावधानी से स्क्रैच कर रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत ही सावधानी बढ़ते हुए आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इन पिनों को स्क्रैच कर लेना। ठीक है, आप इन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करेंगे, जिससे कि आपका जो इस पर कार्बन जमा हुआ है वो यहाँ से हट जाए और एक क्लीन होकर के एकदम गोल्डन तरह की चमकने लगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों साइड से करना है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से आप इस तरीके से इसे क्लीन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, जब आप इस तरीके से क्लीन कर लें, कचरा सभी निकल जाए, तो आपको थिनर लेना है, थिनर। ठीक है, या तो आपके पास थिनर होगा या फिर आपके पास पेट्रोल, ठीक है, थिनर या फिर पेट्रोल लेना है, और आपको एक इस तरह का ब्रश ले लेना है। ठीक है, तो आपको इस ब्रश को पेट्रोल या फिर थिनर के अंदर भिगोना है। देखिए, मैंने आपको इस प्लेट पर ट्राई करके बताया है, सेम यही प्रोसेस आपको फ़ोन में करना है। यदि आप मोबाइल मैकेनिक नहीं है ना, तो आप इस ट्रिक को घर पर भी कर सकते हैं, आपको जैसे मैं प्लेट में करके बताया उस तरीके से फ़ोन में यहाँ पर कर देना। ठीक है, ये सब प्रोसेस करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ब्रश लेना है, फिर आपको या तो पेट्रोल लेना है या फिर थिनर लेना है,
इसके सिवा और कोई चीज नहीं, या तो पेट्रोल या फिर थिनर। ठीक है, आप यहाँ पर ब्रश पर लगाएंगे, तो मैंने ब्रश पर थिनर को लगा दिया है। ठीक है, अभी लगाने के बाद इसमें ये ध्यान रखना कि ज्यादा थिनर या फिर पेट्रोल इसके अंदर भरा हुआ ना हो। ठीक है, यदि हो ज्यादा भरा हो तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से झटक देना, जिससे कि जो उसमें एक्स्ट्रा जो भी लिक्विड है यानी कि हमारा थिनर या फिर पेट्रोल है वो नीचे गिर जाए, ज्यादा फोन के अंदर ना जाए। तो इस तरीके से करने के बाद अभी आपको देखिए जैक पे इस तरीके से इसे क्लीन करना है। ठीक है, इस तरीके से क्लीन करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने पहले ब्लेड से क्लीन कर दिया, अभी हम थिनर या फिर पेट्रोल से क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ठीक इस तरीके से क्लीन करना है। जब आप इस तरीके से क्लीन कर देंगे तो यहाँ पर जो भी कार्बन लगा हुआ था वो सभी कार्बन साफ हो जाएगा। ठीक है, जब कार्बन साफ हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो चार्जर है इसका, उस चार्जर को इसमें लगाना है, फिर से निकालना है, दो तीन बार ऐसे ही कर देना है। दो तीन बार इसमें लगाएंगे, फिर निकाल देंगे, फिर लगाएंगे, फिर निकाल देंगे, और भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ कार्बन होगा वो जब चार्जर लगाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर लगाएंगे, फिर निकालेंगे, उससे वो भी क्लीन हो जाएगा और आपकी जो चार्जिंग ना होने वाली प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर आ रही है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और दोस्तों आप इसी तरीके से टाइप सी वाले चार्जिंग जैक को क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बच्चे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।